इसमें जैसे ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, तो 2NaOH प्लस H2 और साथ में C2H6 और 2CO2। आप इसका बैलेंस चेक कर सकते हैं कि 6 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन 10, तो इधर भी 2 4 10 हो रहे हैं, ऑक्सीजन 4 6 और इधर भी 6, सोडियम 2 2 हो रहे हैं, कार्बन 4 और अगेन उधर भी कार्बन 4 हो रहे हैं। तो इसमें जो एनोड पे एनायन जाएगा, एसिटेट आयन जाएगा, उस वजह से CO2 मिल रही है, 2 CO2, और क्या मिल रहा है अपने को, C2H6। और कैथोड पे हमें क्या ऑप्टेन हो रही है, हाइड्रोजन। तो अगर इसके डेटास को देखा जाए, आपको क्यू दिया हुआ है, इस क्यू को हम फैराडे में बदल लेंगे, ये एम्पियर है, फिर ये मिनट हो गया या सेकंड हो गया। तो कोई भी जो चार्ज है, अगर उसे आपको फैराडे में बदलना है, तो डिवाइड बाय दिस। तो ये सपोज करिए आपके एक्स फैराडे आ गए, तो ये एक्स इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। तो हमें इन स्पीशीज के इक्विवेलेंट्स पता हो गए। अब हाइड्रोजन जो बनता है वो +1 से आ रहा है और जीरो स्टेट में जा रहा है, इसमें 2 एटम है, तो पर एटम चेंज कितने का हो गया ON में, 2H2 के। यानी अगर हम ये यूज करें, इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स जो हाइड्रोजन के आ गए वो हमारे पास कितने आ गए, x/2। अब यहां पे आप PV इज इक्वल टू NRT लीटर ATM सिस्टम में लगा लीजिए। तो जब PV इज इक्वल टू NRT हम लीटर ATM में लगाएंगे, दो कॉन्सेप्ट्स का ये मिक्सचर हो गया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का भी क्वेश्चन में, और जो है वो साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोलाइसिस का, दोनों कॉन्सेप्ट। तो ये लीटर एटीएम सिस्टम में हम इसमें ये डेटास रखेंगे, ये मोल्स में यहां से यहां रख दूंगा, न्यूमेरिकली मेरे को याद है, प्रेशर और टेम्परेचर याद है, टेम्परेचर कैल्विन में यूज कर लेंगे, तो यहां वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हम निकाल पाएंगे। ये वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मैंने माना कि मेरे पास आया वाई लीटर, तो पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इसमें जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व आ जाएगा, वो वाय तो हाइड्रोजन का आ जाएगा और इथेन भी इतना ही है ना। यहां हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इथेन सेम मोल्स हैं, तो वी प्रोपोर्शनल टू एन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये भी वाय आ जाएगा। इन कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे कितना है, डबल है, तो ये 2y हो जाएगा। तो सॉल्व करने से पूरा आंसर आ जाएगा 4y लीटर, जहां वाय हमने ये V को वाई लिया है।